नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं। जिले के विभिन्न विद्यालयों के विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा स्टॉल लगाने का काम किया गया। वकड़ी प्रखंड अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चकचनरपत के सहायक सह फोकल शिक्षक मोहम्मद फैयाज अहमद के द्वारा भी मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार का स्टॉल लगाया गया। CPR तकनीक से हार्ट अटैक के खतरे से बचाने हेतु रोल प्ले की प्रस्तुति की गई। स्टॉल का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय चौधरी, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा, जिला शिक्षा पदाधिकारी शर्मिला राय, DPO स्थापना जमाल मुस्तफा तथा अन्य गणमान्य पदाधिकारियों के द्वारा अहमद के रोल प्ले को खूब सहारा गया। वहीं राजीव कुमार सिन्हा और वंदना कुमारी ने स्टॉल संचालन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। नमस्कार मित्रों, आज हमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय कंकोल बेगूसराय में, जैसा आपको ज्ञात हो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा आज होनी है और आज उनका बेगूसराय में सदर आगमन हो रहा है, तो हमारे YouTube के चैनल के माध्यम से आज हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत एक CPR विधि माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शित की जाएगी, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपके समक्ष पेश है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार CPR की जाएगी। जी, ये पहले आप बताएं कि ये क्या करने वाले हैं आप? ये मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग CPR करने का टेक्निक बता रहे हैं। CPR होती क्या है? तो ये पता कैसे चलता है कि बच्चे को सांस लेने की दिक्कत हो रही है? क्या वो बच्चा गिर जाता है? ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको? सर, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं एयरवे, मतलब इसमें सांस है या नहीं, उसके बाद ब्रेथ धड़कन देख के चेक कर सकते हैं, उसके बाद पल्स सर्कुलेशन ABC एक मेथड है, उसके बाद फिर नहीं होता है उसके बाद CPR ऐसे करके पूरा चेक करके मिनिमम समय मैक्सिमम बात मिनिमम टाइम मैक्सिमम बात अगर नहीं ब्रेक हुआ उसके बाद वो नाक बंद करके मुंह खोल के उसके बाद दो बार सर माउथ लिया जाता है, माउथ माउथ एयर इस प्रक्रिया को। तो इस तरीके से हम पेशेंट को रिवाइव कर पाते हैं। ये इस प्रक्रिया को क्या दोहराया भी जाता है? जी, तो आपने देखा किस प्रकार से CPR परफॉर्म की जाती है। आइए इसके विषय में और जो हमारे शिक्षक हैं उनसे बात करें। सर, क्या इस विधि को विद्यालय में विद्यालय सुरक्षा योजना के तहत बताई जानी, क्या ये इसकी कोई अनिवार्यता है? आवश्यक है विद्यालय में, इसलिए बताना आवश्यक है कि विद्यालय समुदाय से जुड़ा है, समुदाय से समाज, और उसके बाद अपना पूरा राज्य आ जाएगा, पूरा भारत आ जाएगा, तो इसलिए ऐसी विधि है जिसकी वजह से आम लोगों में ये जागरूकता आ जाए। तो 10 लोगों में अगर हार्ट अटैक किसी को होता है तो 9 लोग मर जाते हैं। अगर ये विधि हम लोग सीख जाए तो आम आवाम की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम और लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और अपने विद्यालय में और पूरे बेगूसराय ज़िले के विद्यालयों में ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है लगातार। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम जो प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार के नाम से जाना जाता है वो मनाया जाता है। इसके अलावा और कौन से तरीके हैं, कौन सी विधि है जो सुरक्षित विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बताए जाते हैं? बहुत सारी इसमें है, आपदाओं के खासतौर से आपदा जो मानव जनित हो या प्राकृतिक हो, दोनों ही आपदाओं के बारे में हम लोग बताते हैं, जिसमें सांप काटना, बाढ़, भूकंप और इस तरह की अन्य जानकारियां, या अभी चमकी बुखार चला था मुजफ्फरपुर में, बहुत सारे बच्चे मर गए थे, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी बच्चों को हमेशा जागरूक करते रहते हैं, और कैसे बचना है, असल मकसद ये है न्यूनीकरण करना, इसका असल मकसद ये है न्यूनीकरण करने की कोशिश हम लोग करते हैं।
धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम लोग विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में जागरूकता फैलाई जा रही है, साथ ही आपदाओं से होने वाले क्षति को न्यूनीकरण का काम किया जा रहा है। धन्यवाद।